मैच्योर थी क्या आपके? मैं ये जानती थी कि कहाँ जाती मेरे साथ ना फर्स्ट नाइट में सेक्स होएगा, मेरी बच्ची पेट में पड़ जाएगी, पता था क्या? कुछ नहीं पता था ना, तो किसी के वो बातें ना अंदरूनी बातें जाहिर करने से पहले खुद के गिरबान में झांक के देखोगे, हमारे माँ बाप की हम बातें ना वो जाहिर करेंगे ना तो फिर क्या असर होएगा दुनिया के अंदर, दुनिया को हमारे माँ बाप की ना मेरी, सीक्रेट बातें पता चलेगी। मेरी बात सुन लो थोड़ा सा, उसके बाद आप बोलना। नहीं सुननी मुझे नबी की बातें ना, तुम ऐसे ना फालतू में ना झूठी झूठी बना बना के उड़ा रही हो। झूठी अभी तुम्हारे अच्छा, अम्मी पापा की बात जूटी, है, जूटी तुम्हारी बा... अम्मी को पता था क्या कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ सेक्स करेगा? थोड़ा पता था तुम्हारी अम्मी को? मेरी बात सुन लो थोड़ा, पता था क्या? सुनिए नहीं तो, पता था ना। सुनेंगे आप मेरी बात, सुनेंगे मेरी बात सुनिए। देखिए यहाँ पे एज का बहुत डिफरेंस है। हजरत आयशा जो थी वो अरे तो छोटी, आपको एज सुनिए, से क्या मतलब अरे है? अरे बीबी अरे आयशा की अरे मेरी मंजूरी से बहन हुआ सुन था वो लो, मेरी निकाह? बहन सुन लो, हजरत आयशा छोटी बच्ची थी और नबी मोहम्मद अधेड़ थे। अच्छा तो आपको पता था कि ना वो छोटी बच्ची थी, उनको नॉलेज नहीं था, उनको समझ नहीं थी कि ना मेरे शोहर कौन है कौन नहीं है? आजकल हाँ की वो जो जनरेशन है ना, इतनी सी 3-3 साल की लड़कियां उनसे पूछ लो और 10 साल की लड़की इतनी मेच्योर हो जाती है कि अपने आप को किसी और लड़के के संबंध में डाल सकती है, ठीक है? आजकल के आप माहौल नहीं देख रहे हैं क्या? जो आप अच्छा प्यारे नबी को सुनो, लेके बैठी हैं, प्यारे नबी मैं और बस बीबी माहौल आयशा को सुनो लेके बैठी सुनो हैं। सुनो, माहौल ठीक है, माहौल की मैं बात नहीं कर रही, अभी की बात तो दूसरी चीज है, क्योंकि अभी तो लोग जो है अभी शिक्षित की हो, बात और अभी तो इसका मतलब अभी की अभी बात दूसरी चीज है ना, तो पुराने जमाने की बात भी दूसरी चीज हाँ है। तो उसी की पुराने बात, जमाने की बात कर को रही इस हूँ, जमाने अरे में उसी लाने की की बात, कोई जरूरत नहीं है। उसी की बात कर रही हूँ। नबी मोहम्मद अगर सही इंसान होते तो एक बच्ची से निकाह क्यों सही करते? इंसान है बच्ची, वो बच्ची थी नहीं, वो जवान मैच्योर थी, थी, छह उनसे पूछ के निकाह हुआ अच्छा छह था। साल की लड़की जवान हो जाती है। नहीं आजकल के जमाने में तो 6 साल की क्या, 6 साल की नहीं बच्ची से आज पूछ नहीं, लो, 1400 साल पहले, आजकल चौदह सौ छह साल साल पहले की लड़की जवान हो से जाती पूछ लो थी। कि किस क्या अरे होता है 1400 साल पहले की बात बताओ आजकल ना। 6 साल की लड़की को किस क्या होता है, मैं तो दूर देखो जाती नहीं हूँ। बाल विवाह गलत है, बाल विवाह गलत है, चाहे वो 1400 साल पहले हो चाहे अभी मेरी हो, बात तो सुनो, बाल विवाह मेरी बात गलत सुनो, है। और आपके नबी मोहम्मद ने वो गलत काम किया है, और जो गलत काम करता है वो सही पर्सन नहीं होता। मेरी बात तो सुनो। तो मैंने आपसे बोला कैसे ना, कैसे इंसान मैंने हो आप, एक लड़की हो करके छोटी बच्ची के निकाह को एक्सेप्ट कर रहे हो? कैसे इंसान हो आप, एक एक महिला होने के नाते सोच लो कम से कम कि मेरी छोटे बात तो बच्चे सुनो पे ना, क्या महिला महिला बीतेगी? अगर आप महिला वाली होती ना, तो महिलाओं की इतनी ना यूट्यूब पे ना सरेआम इज्जत नीलाम ना करती, नहीं नहीं आप इतनी आप महिला नहीं महिला ना आप वो एक कर रही महिला होती। हो, ये बताओ अगर आपकी शादी 6 साल में कर दी जाती तो आप क्या उसको सही मानते? हाँ तो मैं तो कर लेती, मैं तो सही मानती, हाँ मेरी शादी हो चुकी है बचपन के अंदर, अब मेरा गोना हो जाएगा 23 साल की उम्र के अंदर या 18 साल की उम्र के अंदर, मैं तो एक्सेप्ट नहीं, करती हूँ। 9 साल में गोना होगा, सही है? हाँ सही है बिल्कुल, हमारी माँ का भी अच्छा ना अच्छा 10 साल की बावन उम्र में ना बावन साल गोना के हुआ था, 52 साल के 11 लड़के से साल की शादी, उम्र में हमारा भाई बावन पैदा साल हो गया नहीं था। नहीं 52 साल के लड़कों से शादी करोगी अधेड़ से? अरे तो हमारे माँ बाप करेंगे, नहीं किससे करेंगे नहीं हम? नहीं अल्लाह ने बावन जिस नहीं चीज को बावन हमारे लिए बनाया हम बावन उससे निकाह साल के करेंगे हम? अधेड़ से शादी करना पसंद करोगी? हाँ उस टाइम 52 साल की उम्र वाले भी एकदम यंग होते थे, ठीक है? तो 60 साल में क्यों मर गया नबी? तो बस तफर कितनी जाहिल हो रहे हो नहीं तुम, नहीं नहीं बावन कितनी साल में जाहिल जवान हो थे, रहे हो सुनो, तुम, 52 साल में नहीं जवान थे कितनी तो 60 जाहिल में हो रहे क्यों हो तुम ये मरे? बताओ। 60 में क्यों मरे नहीं बताओ? 62 में मर गए ना, अरे 62 में मर गए। तुमने मौत को देख रखा है क्या कि नहीं ये पता क्यों, नहीं कि अरे तुम घर तो से अल्लाह बाहर के नबी निकलोगे थे नहीं ना, जिससे पहले अरे कमरे के तो अंदर तुम्हारी मौत हो वो तो जाएगी। अल्लाह के नबी थे ना, उनका तो इंतकाल अच्छे से होना चाहिए था। हाँ अल्लाह के नबी तो थे जब, तो उनसे देखो पूछ के अल्लाह ताला ना, ने ना वो अरे बुलवाया था उनको। पूछ, अरे पूछ के होता ना मेरी बहन, तो अगर पूछ के होता ना तो फातिमा को मरने नहीं देते, पूछ के होता था हुसैन को मरने नहीं देते, होता तो अली को कटने नहीं देते, ऐसा होता तो, और फातिमा को विधवा, सॉरी आस्था को विधवा नहीं होने देते अगर पूछ के होता तो, समझ रहे हो? असल में नबी मोहम्मद अरे एक ये तो नकली सही आदमी है, था, असली में वो रसूल था ही नहीं, वो झूठा इंसान था, समझ पा रहे हो? आप सच्ची हो, बिल्कुल सच्चे हैं हम, तो कोई नबुवत की आप दावा नहीं, सच्ची हो, हमने नबुवत की दावा किया है क्या कभी? नहीं आप सच्ची हो मैंने कहा तो है कि ना, मैं तो नबी हूं? मेरी बात सुनो, मेरी
मेरी बात सुनो, आप सच्ची हो ना, आपके हो ना सच्ची, आपके हजरत तो ऐसा, बिना पर्दे ना यूट्यूब पे आना और मुझसे बात करना, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आप सच्ची हो कितनी सच्ची हो, मुंह छुपाए छुपाए तो इधर उधर घूमते फिरती हो, लो, लो, लो। पहले मुंह दिखा के और फिर बात करो। हजरत आयशा के साथ जो नबी मोहम्मद ने किया, इतिहास में कोई माफ नहीं कर सकता। देखो मेरी बात सुनो, आपको शर्म आनी चाहिए, एक महिला होके छोटी सी बच्चे के निकाह को जायज ठहरा रही हो, छी है आप पे। अरे शर्म तो आनी चाहिए आपको, छोटी सी बच्चे नहीं, एक महिला हो करके, एक लड़की, एक लड़की हो करके, एक लड़की हो करके, नहीं एक लड़की हो करके छोटे से बच्चे के साथ जो गलत हो रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आपसे बड़ा कौन इंसान होगा जिसके पास दिल नहीं होगा? आप बिना दिल के इंसान हो, आपके अंदर भावना नहीं है, इस्लामिक अंधविश्वास ने आपको इतना बुद्धिहीन कर दिया। नहीं मेरी बात सुनो ना, ये क्या बहन भाई के रिश्ते को बदनाम कर रखा आपने, वो मियां बीवी के रिश्ते को बदनाम कर रखा आपने, औरतों तक को बदनाम कर रखा है आपने यूट्यूब। अच्छा, पर ये आपने एक बता, करके रखा सुनो, ये बताओ, सुनो सुनो और एक चीज बताओ, नहीं आप नहीं, बढ़ावा किस चीज को दे रही है? नबी मोहम्मद की बात सुनो, एक्स मुस्लिम हो क्या, आपने किया क्या है? नहीं नबी, अच्छी बात जानी आपने, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। नबी मोहम्मद के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, आप टॉपिक ले जा रही हो दूसरी तरफ, क्योंकि मुझे पता है आपके पास जवाब नहीं, आपके पास जवाब ही नहीं है। आपको पता है आपका नबी मोहम्मद कैसा था? आपको पता है कि आपका मोहम्मद कैसा था? ठीक है ना, मेरी बात नहीं, वजूद है, आपके पास जवाब, मेरी बहन आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, बताओ 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 क्या क्या बताओ, नबी मोहम्मद ने छोटी से बच्ची के साथ क्यों ऐसा किया था? वो आप जाके पूछना पड़ेगा, आप ऊपर और आपको पूरे ना डंडों के साथ और बेंतों के साथ सवाल देखो, का जवाब मिलेगा एकदम खतरनाक। सुनो सुनो, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, हां मैं क्या बोल रही थी और क्या नहीं बोल रही थी, सुनो सुनो, इसे कहते एकदम क्लियर टीवी में दिखाई दे जाएगा कि हां क्या सच है और क्या गलत है। देखो इसे कहते हैं बुद्धिहीनता, जब इंसान मूर्ख हो जाता है, जब इंसान को इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रहती, मजहबी अंधविश्वास हो जाता है, तो एक ऐसे इंसान को भी नबी मान लेता है जो छोटे बच्चे की जिंदगी बर्बाद किया था। समझ पा रहे हो, जिंदगी बर्बाद नहीं हुई थी, किताब उठा के पढ़ो, इस्लाम की किताब उठा के पढ़ो अपना, और इस्लाम देखो आज भी इस्लाम में, सुनो आज भी इस्लाम में, मेरी बात सुनो, आज भी इस्लाम में ऐसी चीजें हैं क्या, छोटे छोटे बच्चियों के साथ कितना गलत किया जाता है इस्लाम के नाम पर, आपको पता है ये चीज, पता है आपको, मुता होता, आपको मुता के बारे में पता है, आपको आपको मुता के बारे में पता है, आप बता दो तो मुता, आप बता दो, मैं तो कह रही हूँ ना मुझे मुता के बारे में नहीं पता, मैं तो साफ लफ्जों में बोलती हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो बता दो, देखो हाँ भी मैं तो झूठ बोल दो, हाँ मुता ये होता वो होता है, लेकिन मुता मुझे नहीं पता, मैं तो क्लियर लफ्जों में बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मुता क्या होता है। मुता निकाह में क्या होता है, लड़का जो है वो लड़के को पैसे दे के उसके साथ 2 दिन 3 दिन मतलब कम दिनों के लिए निकाह करता है, ये होता है मुता। अब फिर जैसे हाँ फिर जैसे वो हम बिस्तर हो लेते हैं, उसके बाद एक दूसरे को तलाक दे देते हैं, ये मुता होता है, ये इस्लाम में है, किसने बताया? ये कुरान में है, बात तो सुनो, ये कुरान में है, मेरी बात आपको अच्छा, कुरान में बताऊं कौन सी वाली सूरत में मैं अभी, अभी, अभी बता, रुको अभी बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ, आवाज नहीं आ रही है, आपको बता देती हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं आपको वो आयत भी बता देती हूँ और वो सारा कुछ बता देती हूँ, रुको आपको 2 सेकंड रुकना, मुता के बारे में बता रही हूँ आपको, और कुरान में हुआ फिर क्या, निसा, क्या सूरे निसा के आयत नंबर 24 देखो, और सही मुस्लिम के, सही मुस्लिम के हदीस नंबर 1406 जी देख लो, और फिर मुस्लिम मिसकात अल मिसाबी की 3148 देख लो, सूरे निसा आयत 24, हलाला भी पढ़ लेना, हलाला मेरे को पता है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सपोर्ट करते हो, सपोर्ट करते हो, सपोर्ट करते हो, हलाला हर रोज नहीं हो, हलाला सपोर्ट करते हो, आप चाहते हो आपका हलाला हो, अच्छा आपका हलाला होगा, एक्सेप्टेबल है, लड़की ने ये कर दिया नहीं, एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है।
इस लड़का ऐसा नहीं होता है, हजारों लाखों में एक लड़की के साथ है ना ऐसा होता है, जब उन मियां बीवी के बीच में ऐसी तकरार हो जाती है या कोई किसी वजह से तलाक हो जाती है ना, तब वो लड़की ना किसी और से निकाह करने के लिए चली जाती है। अरे बहन, अरे बहन, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, सुनो सुनो सुनो, मैं तेरे से ही रिश्ता रखना चाहता हूँ, ना किसी और से निकाह करती है, फिर उससे तलाक लेके और फिर वापस फर्स्ट वाले से ही निकाह करती है, उसको कहते हैं हलाला। आपने हलाला का मतलब ये रख रखा है कि भाई ना पहले लड़की है ना उससे तलाक ले लेगी फर्स्ट वाले से, फिर सेकंड वाले से ना जाके ना निकाह करेगी, फिर उसके साथ एक रात बिताएगी, फिर उसके साथ जिना होएगा, फिर उसे तलाक लेगी और फिर उसके बाद में फर्स्ट वाले से। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिना करना जरूरी होता है, जिना जरूरी नहीं होता। आपने बोला ये कि जिना करना, ये करना, वो करना, जिना करना जरूरी होता है? नहीं होता। ये मैं पूछती हूँ आपसे, नहीं होता, कोई जरूरी नहीं। और है मैं दे दूँ तो? निकाह करना जरूरी है? और मैं दे दूँ तो? हाँ लो दो, बताओ किसने जिना किया है? सनन नसाई की, सुनो सुनो सनन, सुनो सुनो, सनन नसाई की हदीस नंबर 3412 देखना, उसमें लिखा हुआ है कि बिना सोहबत के, बिना जिना करे जो हलाला है वो कंप्लीट नहीं होता। ये नबी मोहम्मद की है। और आपको मैं एक सनन अबू दाऊद से हदीस देती हूँ 2309, इस हदीस में भी देख लेना, इसमें भी वही लिखा हुआ है, समझ रहे हो? हाँ हाँ, मैं पढ़ लूंगी, टेंशन ना लो। तो ये चीज है कि इस्लाम ने कभी औरतों की इज्जत नहीं की, जब से इस्लाम पैदा हुआ है तब से लेकर औरतों को बेचा गया, खरीदा गया। नबी मोहम्मद की पता है कितनी लौंडियां थी, पता है कुछ इसके बारे में? अपनी गुलाम लड़की के साथ, अपनी बीवी के गुलाम लड़की के साथ नबी मोहम्मद ने कितना गलत किया था, पता है आपको? ये आपको नहीं पता क्योंकि आपको अच्छी बातें बताई जा रही है। नहीं, मेरी मेरी बात सुनो, आपने वो नहीं सब वो वो आईएसआई की वो पढ़ाई करा, जो क्या नाम है, सर नहीं नहीं वो उन सर का दूसरा नाम है, अरे, सर का नाम याद नहीं आ रहा। वो जो उमर उमर की स्टोरी सुनाते रहते हैं, मुझे पता है उमर की स्टोरी सुनाते रहते हैं। उमर की तो किसी ने स्टोरी नहीं सुनाई। अरे वो उमर, प्यारे नबी की बात कर रही हूँ, पहले मेरी बात तो बोलो। प्यारे नबी जब इस दुनिया में नहीं आए थे ना हंटिंग के नाम पे और ये सती प्रथा के नाम पे औरतों को चलाया जाता था, कत्ल किया जाता था। औरतों को इज्जत इतनी जहालत कहाँ से लाती हो? अच्छा ये बताओ, ये बताओ, मैं एक सवाल का जवाब देना, एक सवाल का जवाब देना, नबी मोहम्मद की कितनी बीवियां थी आप बता दो, मेरे से तो ज्यादा आपको नॉलेज है, मुझे तो नॉलेज है ही नहीं, आपने तो मुझे बता दिया कि मूर्ख हो तुम। अच्छा सुनो 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 सुनो, मैं सुनो सुनो, नबी मोहम्मद की 11 बीवी थी, सही बात है? नहीं मुझे तो पता ही नहीं ना, आपको पता है, मुझसे ज्यादा नॉलेज आपको 11 हो। अच्छा आपको 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 कितना आपको कितना आपको कितना पता है? मुझे तो पता ही नहीं। आपको पता ही नहीं, तो नहीं वो मुझे पता है, नबी मोहम्मद की रियलिटी सामने आ जाएगी ना तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मुंह से बोलना पड़ेगा मेरा नबी ऐसा था, मेरा नबी ऐसा था, मेरा नबी जैसा तो पाक दामन कोई था ही नहीं। अरे रे रे, जिसने अपनी बहू को देख कर उससे निकाह कर लिया, तबरी में लिखा है, सुनो 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 सुनो, तबरी में लिखा हुआ है कि नबी ने अपनी बहू को बिना कपड़े के देख लिया, उसके बाद उससे रहा नहीं गया, उसने निकाह कर लिया। अरे लिखा हुआ है ये, लिखा हुआ, अरे लिखा हुआ है, अरे अरे बुद्धिहीन हो आप मेरी बहन, आपको पास नॉलेज नहीं है, सच में आप हाफ दिमाग वाली हो इसलिए आपको नहीं पता है ये। अच्छा, तारीख 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 तबरी है, उसमें देखना, उसमें साफ लिखा हुआ है नबी मोहम्मद ने देख लिया था अपनी बहू को बिना कपड़े के, फिर उसके लिए आयत उतरी सूरह अहज़ाब में कि नबी तुम अपनी बहू से शादी कर लो क्योंकि बहू बहू नहीं होती है, ऐसा ऐसा कुछ। अच्छा, हजरत जैनब की स्टोरी पढ़ना और हजरत मारिया की स्टोरी पढ़ना, आपको पता चलेगा। अरे आपको तो कुरान में खेती कहा गया है कि आप खेती हो, एक एक कुत्ते और गधे से, सुनो, अगर सामने से गधा चला जाए ना तो नमाज टूट जाती है, वैसे एक औरत चला जाए ना तो नमाज टूट जाती है, कुत्ते और गधे जैसी हालत है आप लोगों की कहाँ इस्लाम में? तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि सामने से औरत चली जाए तो नमाज, हर इंसान नमाज पढ़ता है, रुको बताते हो, कोई भी चाहे औरत हो चाहे आदमी हो निकल जाता है ना तो वो नमाज टूट जाती है, ठीक है? फालतू में बिना मतलब की कोई बात, उस बात के पहले
है ना, हाथ है वो औरत तो उससे सामने से निकल जाती तो नमाज टूट जाती, ये तो गलत बात है आपकी। अच्छा कोई भी इंसान नमाज पढ़ता रहेगा ना, चाहे सुनो, औरत हो सही चाहे बुखारी, आदमी हो चाहे मर्द हो सुनो चाहे सुनो औरत हो, सुनो, उसके सामने से निकल सही जाए तो ना बुखार नमाज टूट सुनो जाएगी। सही बुखारी की हदीस अरे न, तुम वाकई सुनो में तो, जाहिल हो, अरे सुनो सुनो, कहते हैं ना मुंह अरे से सिद्ध फिर अरे सर भी हदीस कोई वो बता रही हूँ, असल बात नहीं है, सुनो सिद्ध सुनो, फेस नहीं, एकदम सही बहुत बुखारी, अच्छे ये तो सही बस बुखारी पकड़ की में ही है। हदीस नंबर 511 देखना, उसमें लिखा हुआ है कि हजरत आयशा खुद कहती हैं, मैं पढ़ती हूँ कि उनके सामने जिक्र हुआ कि नमाज को क्या चीजें तोड़ देती हैं, तो लोगों ने कहा कि कुत्ता, गधा और औरत नमाज को तोड़ देती हैं जब सामने आ जाए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि तुमने हमें कुत्तों के बराबर बना दिया, हालांकि मैं जानती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आपके किबले के बीच चारपाई पर लेट हुई थी, और ये इसने कॉल काट दिया। तो दोस्तों यही चीज है कि जब इंसान की सच्चाई उसके सामने पोल पट्टी खुलती है तो सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो भाग जाता है। और ये लड़की जो थी, सना नाम थी, इसके बहुत से इससे बहस हुई मेरी, लेकिन वास्तविकता में एक मंद बुद्धि लड़की है, और सच में कुरान में लिखा हुआ है ना कि औरतें जो हैं वो होती हैं, हाफ माइंड होती है, सच कह रही हूँ, लेकिन ये उन लोगों के लिए है, उन औरतों के लिए है जो इस्लाम को अंधत्व एकदम अंधा होकर एक्सेप्ट करती हैं और उसी पे चलती हैं। इसको हलाला के बारे में पता है, मुता के बारे में नहीं पता, और नबी मोहम्मद की बीवियों के बारे में पूछ रही थी, मतलब पूछी मैं तो उसका जवाब नहीं था इसके पास। ये सच में हाफ माइंड टाइप की थी लड़की, इसके पास दिमाग नहीं था। इसको इसको पता नहीं कौन सा भूत सवार है, इसको लगता है नबी कोई महान इंसान, तो कैसे कोई महान इंसान हो सकता है वो जिसने छोटी बच्चे के साथ निकाह किया हो, अपनी नौकरानी को नहीं छोड़ा, अपनी बहू को नहीं छोड़ा, औरतों का खरीद फरोख्त करता था, लेता था देता था, ये कैसा अच्छा इंसान हो सकता है? थोड़ा सोच के, मतलब इसके पास दिमाग नहीं, मैंने इसको समझाने की कोशिश की, और हो सकता है कि बाद में ये फिर कॉल करे, तो जब ये कॉल करेगी तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग में जरूर डालूंगी, बात करके चर्चा करके। जब तक लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको चर्चा सही लगी हो तो आप चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।